उम्मीद है काफी हो गया होगा यहां तक। सवाल को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एंड संग संग हम लोग सवाल को करेंगे भी, इसलिए ध्यान से समझिए। देखो क्या बोल रहा है, एडिनो टेलीविजन कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस 20,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम 2, तो 10 × 2 कितना हो गया 12। पैसा कैसे मांग रहे, 3 रुपया एप्लीकेशन, ये देखिए 3 रुपया एप्लीकेशन, 7 रुपया अलॉटमेंट, ये देखिए 7 रुपया अलॉटमेंट, तो 12 रुपया में 3 और 7 10 हो गया, बचा कितना 2, 2 क्या होगा फाइनल कॉस्ट। अब हमारा क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आंसर दीजिएगा, कितना शेयर बेचना चाहते हैं, 20,000 बेचना चाहते हैं, एप्लीकेशन कितना आया 27,000 का एप्लीकेशन आ गया, कंडीशन अप्लाई है, बोलता है पहला 3,000 को रिफ्यूज करो, ये देखिए 3,000 अलॉट कुछ भी नहीं हुआ, 3,000 × 3 9,000 रुपया दिया था, 9,000 पूरा बैंक में चला गया, 2 अलॉट फुल इन एप्लीकेंट 4,000 शेयर, 4,000 शेयर को पूरा 4,000 दे दो, ये देखिए 4,000 शेयर को पूरा 4,000 दिए, 4,000 × कितना दिया 3, पूरा का पूरा 12,000 कहां रह गया, यहीं पर हो गया। अब देखिए 27,000 मिला था जिसमें 7,000 का हिसाब किताब हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, शेयर बेचना कितना चाहते थे 20,000, 4,000 इसको दे दिए, रिमेनिंग कितना बचा 16,000। वहां पर आगे बोला है टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर प्रोराटा अमंग द अदर एप्लीकेंट, तो देखेंगे जी प्रोराटा जो है वो हम 20,000 शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट 16,000 शेयर देंगे, यही प्रोराटा हो गया। तो 20,000 के ऊपर दिया था कितना 3 रुपया करके 60,000, अब इसका आगे तक हम लोग लेकर जाएंगे 16,000 × 3 48,000, लेकिन 16,000 × 7 उतना रुपया नहीं है, तो बैलेंस जो बचा है सो यहां पर रख दिए, क्योंकि आगे देखिए अगला बात क्या बोला है, यू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अगर किसी का एप्लीकेशन में कुछ रुपया रह जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग, मतलब उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट तक, तो अलॉटमेंट तक हो गया, टेबल बन गया, सवाल बनाना शुरू करेंगे, टेबल आया ना समझ में, इसके पहले भी 2 टेबल बताए हैं, सारे टेबल को बढ़िया से देखेंगे, ये नहीं कि आप ये शेयर ये सवाल अचानक आपके सामने आ गया और आप इसको देख रहे हैं और आप बोलेंगे सर पूरा समझ में नहीं आया, इसके पीछे भी 2 शेयर का टेबल बहुत ही बेसिक वे से बताया गया, उसको जरूर से देखिएगा। अब देखो पहला क्या होगा, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टोटल 27,000 × 3 कोई दिक्कत, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, जितना बेचना चाह रहे थे कितना बेचना चाह रहे थे 20,000, तो 20,000 × 3 60,000, रिफंड कितना कर रहे हैं 3,000 × 3 बाकी 12,000 रुपया एडजस्ट कर लीजिए, ये 12,000 रुपया कितने लोगों का है 16,000, और मुल्क ये 12,000 रुपया कितने एप्लीकेंट का है 20,000, एलॉटी कितना 16,000, ठीक है। तो अभी 2 एंट्री हम लोग कर दिए, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए आगे भी पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स होल्डिंग को सर्कल में लो, होल्डिंग मतलब अलॉटेड, होल्डिंग का मतलब अलॉटेड, बोलता मिस्टर एक्स जिसके पास 250 शेयर है, टू हुम शेयर हैड बीन अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल 250 मिस्टर एक्स, जिसको प्रोराटा के ऊपर मिला था, ये इसमें है, वो किस कैटेगरी में है सी वाला कैटेगरी में, बोलता है उसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालेंगे, मिस्टर वाई होल्डिंग 150 शेयर टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन कॉल ओनली, बोलता है मिस्टर वाई जिसके बाद 150 शेयर था टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, पूरा अलॉटमेंट दिया गया था, वो अमाउंट ड्यू है किसके ऊपर कॉल के ऊपर, तो झमेला तो नहीं है, अरे उसने तो एप्लीकेशन दिया अलॉटमेंट भी दिया, क्या नहीं दे रहा है कॉल नहीं दे रहा है, दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, ये सारे शेयर को फॉरफिचर कर लो, तो 250 150 फॉरफिचर करेंगे, उसमें से बोलता है 150 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का 150 शेयर एंड 100 शेयर किसका वाई का, मिस्टर एक्स का 150 शेयर जबकि मिस्टर एक्स का 250 शेयर फॉरफिचर हुआ था, बट उसमें से पर आधा मतलब थोड़ा सा 150 शेयर प्रोपोर्शनेट बोल रहा है
पार्टली रीसूड हो रहा है, और देख रहे हैं यहां पर मिस्टर वाई का 150 शेयर फॉरफिटर हो रहा था, बट उसमें से 100 शेयर इसका बेचना है कितना करके, 9 रुपया करके। तो देखो इतना लंबा मत सोचो, पहले हम लोग टेबल बना लिए, 2 हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का मांगेंगे, फाइनल कॉल का मांगेंगे। अलॉटमेंट में कौन पैसा नहीं दिया है, मिस्टर एक्स, किसको 150-250 शेयर अलॉट हुआ था प्रोराटा पे, जल्दी कीजिए। देखो अलॉटमेंट कितना से मांगेंगे, बोलिए अलॉटमेंट कितना से मांगेंगे, 7 रुपया, कितने शेयर के ऊपर मांगेंगे बोलिएगा तभी समझ पाएंगे जी। ये 2 भागों में बटेगा, 2 रुपया क्या प्रीमियम, यहां तक कोई दिक्कत? देखिए 20,000 शेयर के ऊपर 7 रुपया अलॉटमेंट, 1,40,000 मांगा गया, ये 7 रुपया 2 भागों में बट गया, 5 रुपया चला गया कैपिटल, 2 रुपया चला गया प्रीमियम, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, बट 1,40,000 धपाक धबर मत लिख देना, 1,40,000 में से ऑलरेडी 12,000 पहले से दिया हुआ था, तो कितना होगा अब आइए, बोलता है मिस्टर एक्स जिसको 250 शेयर प्रोराटा पे मिला था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 250 × 7 1750, 1750 यहां मत लिख देना, कारण क्या है, उसने एक्सेस पे किया है, एक्सेस कैसे पता चल रहा है, यहां 12,000 पे एक्सेस पे है, एक्सेस अमाउंट पेड बाय मिस्टर एक्स ऑन 250 शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी पेड, जब एप्लीकेशन का पैसा पेड किया था तो ज्यादा पेड कर दिया था। ये 12,000 कितने लोगों का है अलॉटेड, क्योंकि 250 शेयर हेल्ड बोल रहा है, अलॉटेड ऑफ 250 शेयर, तो 12,000 रुपया 16,000 लोगों का है, 250 का कितना, यानी जब एप्लीकेशन का पैसा दिए उस समय 187, ये पुराना बात हो चुका है, 187.50 आपने ज्यादा दे दिया था, तो हम कितना लिखेंगे 1562.50। पॉइंट को लेकर बना सकते हैं, पॉइंट को आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, चलिए पॉइंट को लेकर ही चलते हैं, तो कितना आएगा इसमें से माइनस करने से, बोलिए यहां किसी को कोई प्रॉब्लम है, अब तो प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, ऐसा सवाल तो बहुत सारा किए हैं ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल को देखिए पुराठा, इससे क्या होगा आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये एक्सेस हमेशा रहेगा, अरे कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है अलॉटमेंट में कॉल सिनेरियर, और अलॉटमेंट में अगर कॉल सिनेरियर होगा तो ये काम तो करना ही होगा, क्योंकि यहां पर देखिए अलॉटमेंट में ज्यादा जो 12,000 रुपया दिया है, ये 12,000 को देखेंगे, इस 12,000 के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, ये 12,000 रुपया 16,000 जिस शेयर जिसको अलॉट हुआ था उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट यहां पड़ा हुआ है, अगर कोई बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट भी फॉरफिचर होगा, कितना होगा, अब मिस्टर एक्स था 250, हम थोड़ा बोलेंगे अपने आप को मानो, अरे हम लोग तो हमेशा पैसा देंगे यार, हम लोग थोड़ा ना कि नहीं देंगे, तो देखेंगे 12,000 रुपया 16,000 शेयर होल्डर का है तो 250 का कितना 187.50, अब कॉल सिनेरियो कितना होगा 250 × 7, उसमें से इतना माइनस हो गया, ये आ गया, ठीक है, अभी फाइनल कॉल मांगो, अच्छा अभी हम लोग फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल का एंट्री यहां पर हम लोगों ने लिख दिया, ध्यान से देखेंगे जी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यार, कितना कितना शेयर के ऊपर मांगोगे बोलो ना, 20 × 2 कैसे आ गया, आप तो जान गए 2, बहुत कोई यहां पर भी नहीं जान पाया, शायद ऑनलाइन वाले भी कुछ लोग हैं जो कि नहीं जान पाएंगे, तो कैसे होगा, अरे 10 का शेयर था 2 रुपया प्रीमियम कितना हो गया 3 रुपया, कहां पर मांग रहे थे एप्लीकेशन, 7 रुपया कहां मांग रहे थे, तो 12 में 10 चला गया 2 रुपया हुआ कि नहीं फाइनल कॉल, तो यहां पर हो गया 40,000, जितना से डेबिट उतना से, बट यहां पर बोल रहा है कॉल सिनेरियर हुआ है, कितना कॉल सिनेरियर हुआ है
कितना कॉल्स इन एरियर हुआ है? कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल मिस्टर एक्स 250 शेयर होल्डर है, फाइनल कॉल नहीं दिया, अब यहां पर तो कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं। 252 कितना? दो। कितना हो गया? 500। एक और भी मिस्टर वाई आ गया है, उसके पास कितना शेयर था बोलिए? 150, वो भी नहीं दिया। कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया टोटल? 200। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने आसानी से देख लिया फाइनल कॉल 2 रुपया एंड उसमें से मिस्टर एक्स 250 शेयर और मिस्टर वाई 150 शेयर के ऊपर पैसा नहीं दिया। अब क्या बोल रहा है? टोटल को फॉरफिचर करो, टोटल को फॉरफिचर करो। फॉरफिचर का एंट्री तो करेंगे लेकिन अगर फॉरफिचर अमाउंट पहले ले आओ तो मजा नहीं आ जाएगा। चलिए फॉरफिचर अमाउंट पहले लाओ। बताओ जी कितना शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। 400 फाइनल कॉल के बाद प्रीमियम में क्या होगा बोलिए? प्रीमियम में क्या होगा? सिर्फ 250। 250 शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया। कॉल सिनेरियर आपके पास लिखा हुआ है, बताइए कितना कितना कॉल सिनेरियर लिखे हैं बताइए। दो जगह लिखे हैं आप, एक जगह तो 15 प्लस कितना हो रहा है 2362 पॉइंट, दोनों में से इसको माइनस कीजिए, यही अमाउंट आ रहा है। ठीक है, देखो फिर से समझो। 400 शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, 400 × 10 4000। 250 क्यों लिखे? क्योंकि इसने सिर्फ प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। वाई तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है, इसलिए 250 × 2। कॉल सिनेरियर आप एंट्री में देखो, अलॉटमेंट में आपने लिखा है 1562.50 और 800 रुपया अभी आपने लिखा था फाइनल कॉल में, तो इतना आ गया। ये देखिए कैसे आ गया, ये हम लोग पहले से निकाल के रखे थे। मिस्टर एक्स 250 शेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, एप्लीकेशन कितना 3 प्लस एक्सेस कितना दिया था, तो एक्स का ये पूरा फॉरफिचर हुआ। आइए वाई के लिए, वाई ने क्या दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो 3 × 7 = 10, लेकिन 10 में से 2 रुपया प्रीमियम चला गया तो बचा कितना 8, 150 × 8 1200। फॉरफिचर का एंट्री आ गया। रीइशू कर रहे हैं तो रीइशू करो और प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर करो, और 2 एंट्री होने वाला है, जल्दी से 2 एंट्री करो, खत्म हो जाएगा। अब सम्स में बहुत ही मजेदार पॉइंट में हम लोग पहुंच चुके हैं। इन दिस सेंस यहां जरा ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है 250 शेयर रीइशू करने के लिए कंडीशन दिया है, एक्स का कितना? देखिए जी, बोलता है जो 250 शेयर आपने एक्स का, बढ़िया से देखेंगे सवाल को, यहां पर बहुत अच्छा सवाल कर दिया नीचे में जाके, बोल रहा है कि मिस्टर एक्स का जो 250 शेयर फॉरफिचर किए थे इसमें से कितना रीइशू करना है? 150 करना है, और जो 150 वाई का किए थे इससे कितना करना है? 100 शेयर करना है। चलो 250 तो 9 रुपया करके कर दिए, लेकिन शेयर का दाम 10,
तो ये अमाउंट तो यहां आ गया, पूरा का पूरा बेचता तो फॉरफीचर अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करके कैपिटल रिजर्व में चला जाता, बट यहां कंडीशन अप्लाई हो गया। आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो देखिए, यहां देखिए इसका टोटल फॉरफीचर क्या हुआ, यही ना 937.50, 937.50 शेयर के ऊपर, तो 150 के ऊपर कितना, वही अमाउंट हम लोग लेंगे, और इसका 1200 रुपया 150 शेयर के ऊपर, तो 100 शेयर के ऊपर 800 रुपया तो दिख रहा है, क्योंकि एक शेयर के ऊपर 8 रुपया दिख रहा है, तो अभी वो अमाउंट हम लोग को लाना पड़ेगा। उस अमाउंट में लाके ये 250 माइनस करोगे तो जो आएगा वही कैपिटल रिजर्व में आएगा। क्या बोले सर समझे, देखो यहां ये नहीं बोला कि 250 शेयर पूरा इसका इशू करो, अगर 250 पूरा बोलता ना, 250 ने किए हैं तो 937.50 में से 250 माइनस करते तो हो जाता। अगर ये बोल देता कि 150 पूरा इसका करो 100 इसका करो, तो इसका पूरा हम 1200 लेते, इसका 100 में लेने के लिए 937.50, 250 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना। लेकिन यहां कंडीशन आपको दिया है रीइशू के वक्त कि मिस्टर एक्स का सिर्फ 150 शेयर इशू कर रहे हैं और वाई का कितना कर रहे हैं 100, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि दोनों में प्रोपोर्शन कितना फॉरफीचर हुआ, उसी में से 250 माइनस करेंगे ना, तो निकालिए पैसा कितना आ रहा है बोलिए। अब हम ऊपर मिटा देते हैं तो आसान रहेगा, क्योंकि अब तो इसका कोई काम नहीं है, कैलकुलेशन है बाबू, ये बात ध्यान रखेंगे। ये देखिए अमाउंट ट्रांसफर टू मिस्टर एक्स 937.50, 250 शेयर के ऊपर 150 शेयर के ऊपर बताइए 562.50। मिस्टर वाई 1200 रुपया 150 शेयर के ऊपर, 100 शेयर के ऊपर कितना बोलिए, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, उसमें से लॉस ऑन रीइशू कितना हो गया था, जो ओनर्स लिए हैं मेहनत करना पड़ेगा, याद रखेंगे कहीं पर भी कोई कंडीशन दे सकता है। जैसे आपने यहां पर क्या देखा कि जो मिस्टर एक्स का फॉरफीचर किए थे, देखिए अलग से फॉरफीचर अमाउंट निकालना कितना जरूरी है, जो हम आपको सिखाते हैं कि अलग से निकालो, क्यों बोलते हैं अलग से निकालने के लिए, जब कंडीशन बोलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखो मिस्टर एक्स का 937.50 फॉरफीचर किए थे, कितना शेयर के ऊपर, 250 शेयर के ऊपर, बट इसमें से 150 ही बेच रहे हैं तो हमारा 562.50 होगा। वाई का 100 शेयर ही आप बेच रहे हैं, अरे 1200 रुपया फॉरफीचर किए थे, कितना शेयर के ऊपर 150, तो 100 के ऊपर कितना 800, टोटल कर दिए कितना आ गया, उसमें से माइनस हो गया 250, क्यों, लॉस ऑन एट द टाइम ऑफ रीइशू, तो कितना अमाउंट जाएगा ट्रांसफर होगा, आया समझ में। तो ये था जी आपका प्रोराटा और विथ टेबल कंडीशन के साथ, टेबल तभी बनता है, नो डाउट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड को भी जरूर बताइए। प्रोराटा अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा किसी चैनल में तो मातृ सर क्लासेस में आइए, और 3 ठो लगातार दिया गया उसको बढ़िया से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा।